बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 का फिनाले कुछ ही दिनों में होने वाला है और इससे पहले शो को लेकर एक बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आ चुकी है। दरअसल शो से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसको लेकर सोशल मीडिया पर अलग ही बवाल देखने को मिल रहा है। अरमान मलिक और कृतिका मलिक का शो से एक अश्लील वीडियो इस टाइम पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को लेकर शो को बैन तक करने की मांग की जा रही है। जी हाँ, अरमान मलिक और कृतिका मलिक जो है वो दोनों इंटीमेट होते नजर आ रहे हैं और इसी वीडियो को लेकर लोग इस शो के मेकर्स को लेकर अपनी अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। अरमान और कृतिका का ये वीडियो लोगों को काफी नाराज कर रहा है। दो पत्नी रखने के लिए मशहूर फेमस यूट्यूबर अरमान मलिक अपने इस वीडियो को लेकर काफी ट्रोल हो रहे हैं। दरअसल वायरल वीडियो में अरमान कृतिका बिग बॉस ओटीटी के घर में ही इंटीमेट होते नजर आए हैं। ब्लैंकेट के अंदर क्या क्या चल रहा है वो वीडियो में साफ नजर आ रहा है। अब शो में अश्लीलता देकर लोग भड़क गए हैं और ये मामला काफी गर्मा चुका है। इस वायरल क्लिप को देखने के बाद अब जियो सिनेमा का जो स्टेटमेंट है वो भी सामने आ चुका है। जी हाँ, जियो सिनेमा ने इस पर अपना ऑफिशियल बयान दिया है। इस केस को लेकर चुप्पी तोड़ी है। जियो सिनेमा के स्पोक्स पर्सन ने इस मामले पर ऑफिशियल बयान जारी करते हुए कहा कि जियो सिनेमा प्रोग्रामिंग के सभी स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं ताकि कंटेंट की क्वालिटी बनी रहे। बिग बॉस ओटीटी जियो सिनेमा पर स्ट्रीम हो रहा है, उसमें ऐसा कोई कंटेंट नहीं है। जो वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है उसके साथ छेड़छाड़ हुई है और ये फेक वीडियो है। हम जियो सिनेमा की इंटीग्रिटी और हमारी ऑडियंस के भरोसे को प्रोटेक्ट करते हैं। ये वीडियो फेक है और ये काफी चिंता का विषय है। जियो सिनेमा ने अपने बयान में कहा कि हमारी टीम इस वीडियो क्लिप का पता लगाने की पूरी कोशिश कर रही है ताकि बिग बॉस और जियो सिनेमा के खिलाफ डिफेम कंटेंट बनाने और फैलाने वाले पर एक्शन लिया जाए। यानी कि अब जियो सिनेमा ने साफ कर दिया है कि जो वायरल हो रहा वीडियो है वो दरअसल फेक है और जो इतना बवाल हो रहा है इस वीडियो पर वो नहीं होना चाहिए। आपको बता दें, इसी वायरल क्लिप को देखने के बाद शिवसेना नेता और प्रवक्ता डॉक्टर मनीषा कायंदे इस शो को लेकर मुंबई पुलिस से शिकायत कर चुकी हैं। उन्होंने शो को बंद कराने की मांग भी की है। यानी कि शो को लेकर जो ये बवाल है ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इसके साथ ही शिवसेना ने ये भी कहा है कि बिग बॉस जैसा शो आज के युवाओं पर, बच्चों पर गलत असर डाल रहा है और ऐसे में जल्द से जल्द बिग बॉस के खिलाफ कड़ा एक्शन लेना चाहिए और इतना ही नहीं, शो को जल्द से जल्द बंद भी कर दिया जाए। अब जब मामला हाथ से निकलने लगा है तो जियो सिनेमा ने चुप्पी तोड़ दी है और इस केस को लेकर अपना ऑफिशियल बयान जारी कर दिया है। अगर आपने फिल्मी बीट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।